हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज तो आता था मैं, वैसे लेट ही हूँ, रोज लाइट बंद कर देता पहले बाहर चलते हैं। और मौसम अच्छा हो रहा, बाहर बारिश तो हुई नहीं है बट मौसम ठीक है। और लड़की अभी सो के उठी है और नाटक कर रही है वापस। लड़की अच्छा, जब से बेटी निकल गया जो लेट हो गया ओए देख, ये देखो क्या कर रही है। हाय तो कर दे गाइस को, पता आ ही नहीं रहा। हाय, वाह। और महावीर, चल बेटा महावीर के पास जाकर आता हूँ, थोड़ा सा काम है, बात करके आता हूँ उससे। मार्क्स ले लेते पहले, क्योंकि मार्क्स बहुत जरूरी है बाहर निकलने से। चलते हैं बाहर, 5-7 मिनट बात करके आता हूँ उससे। सो गाइस, बाहर जाके तो आ गया, और आज तो बदल तो हो रहा है लेकिन आज बारिश हुई नहीं। और गाइस, बारिश का माहौल है इधर, पीछे की साइड में, बैक साइड में बारिश हो रही है कहीं पर, और शायद तक हमारे यहाँ पर भी बारिश आ सकती है। और टाइम हो रहा है कभी 7:30, 7:45 का। सब नीचे चले गए, मेरे जाने का मन है नहीं और ऊपर मन लग नहीं रहा। नीचे देखते हैं, नीचे गर्मी पड़ रही है तो रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और यहाँ ठंडी हवा आ रही है। हो सकता है अभी कुछ देर में बारिश आ जा रही है। काले काले जो बादल दिख रहे हैं आपको, बदल, ये बारिश के ही हैं। हो सकता है कि आधे पौन घंटे में बारिश हो जाए, फिलहाल अभी तो नहीं हो रही है, हवा थोड़ी चली है, और हो जाए तो अच्छी बात है। तो यही सोच रहा हूँ कि बारिश आ जाए, अगर रात को भी आ गई तो रात को भी बारिश में ना दूंगा मैं तो। कल परसों बारिश हुई थी लेकिन अब पहाड़ पे गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, हल्के फुल्के बारिश थी वो। अब आज देखते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। अभी शाम का 7:30 बज रहे हैं लेकिन रूम में इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए बाहर ही बैठना अच्छा लग रहा है मेरे को। रूम में बैठना सही लग नहीं रहा है, गर्मी में ज़्यादा रह नहीं सकता मैं। मैंने खाया नहीं, और ये रख दिया यहाँ पर, अब वापस उसको अंदर रखना पड़ेगा, ये खाते तो है नहीं कोई। चलो तारागढ़ करने जा रहा दिखता हुआ, अभी आपको साफ दिखेगा नहीं अंधेरे में, लेकिन सामने तारागढ़ है ये लाइट के पीछे, लेकिन अभी शाम को दिखेगा नहीं। और इधर पॉइंट पर मदार साहब, सामने जयपुर रोड, इसलिए हमारे यहाँ से शानदार नज़ारा दिखता है नाइट में, डे में तो कुछ दिखता नहीं है। ये जितनी भी लाइटें हैं पूरी ऊपर वाली, ये पूरी जयपुर रोड हाईवे नेशनल है। और ऐसे तो फ्रंट से तो दिख जाता है, ये देखो गाइस, अब अभी तो दिख रहेगा लेकिन बाद में ये दिखेगा नहीं नज़ारा। और ये पागल लड़की क्या कर रही, अंधेरे में दिख ही नहीं रही है। भैया को स्माइल, मास्क तो दिखेगा नहीं, मास्क तो लगाना ज़रूरी है भाई। और गाइस, थोड़ी देर घूमने आए थे यहीं रोड पे, ऑफिस में भी आए थे, एटीएम चेक भी कर लिया, और सोचा खाना खा के घूमने भी आ जाएं, इसी बहाने थोड़ा सा रोड दिखा दें। किधर चले, इधर ही चलेंगे, इधर चलेंगे थोड़ा सा आगे तक मेन उस रोड तक। और अंधेरा आ गया, लाइट जल नहीं रही है यहाँ पर, तो बैक कैमरा चालू करो। बैक कैमरा तो चालू कर दूंगा, लेकिन यह देखो, यह है जयपुर रोड। और सोचा थोड़ा घूमना है, घूमना भी हो जाएगा, खाना भी पच जाएगा। अब रोड पे आ गए, पहले मैं रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, अब ठीक है रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। और रोड कच्ची रोड पे चल रहे थे, मेन हाईवे देखो, ये है मेन हाईवे शूट आगे चलेगा। हाँ थोड़ा वहाँ तक चल कर आएंगे, वो तक वापस चलते हैं, आते वक्त भी हो जाएगा। और शाम के टाइम अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है 4 बजे बाद, तो
तो रोड खाली मिल जाती है। वैसे ये रोड इतनी खाली रहती नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी खाली मिल जाती है। वैसे हम वाइट वाली पट्टी के साइड में ही चल रहे हैं, क्योंकि कुछ इक्की दुक्की गाड़ियां आ रही है। और हमें डर ये भी है कि पुलिस वाले ने आ जाए कहीं, और आ भी हाँ वो तो है ही। ये लाइट बंद पड़ी है इसलिए यहाँ रोशनी नहीं है, और मेरा फेस भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो आ रहा है, सही है। भैया भैया ने मास्क लगा रखा है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क उतार रखा है। वैसे मैं मास्क लगा के रखता हूँ, ये वाला ये सही है मेरे लिए मास्क, दोनों तरफ से पूरा परफेक्ट है। बाकी आज फर्स्ट टाइम खाने के बाद इतना लंबा घूमने निकला, और भी कई लोग हैं जो वॉक पर निकलते शाम को, निकलना चाहिए। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, भैया के लिए ज़रूरी है, जो भैया का काम केवल सीट पर बैठे रहना है, इसलिए बैठ बैठ के पेट बाहर आ गया। भैया का तो पेट ही बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, और बच्चे भी आते हैं सामने से घूमने के लिए। और ये तो बस चालू हो चुकी है, बच्चे सारे बक्के आते हुए। और गाइस ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो चुका है, कि जिन्हें मास्क बिगर मास्क के भी घूम रहे हैं, लेकिन हम तो मास्क लगा के यहाँ तक ही घूमेंगे, इससे ज़्यादा आगे जाने में हिम्मत नहीं हमारी। हिम्मत तो है पर पुलिस वाले आगे भागने की, पुलिस वालों के बाद भगने की हिम्मत नहीं रहती किसी की। और अजमेर में गैस पाइपलाइन भी डलती हुई, ये अच्छा है गैस पाइपलाइन डल गई तो। हाँ मीटर मैंने आज सोचा चलो लोग में ये भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमेशा रोड पर गाड़ी पे रहते तो कुछ क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए सोचा चलो आज शाम के वक्त ब्लॉगिंग करेंगे। अब मैं शायद वैसे हमने सोचा है कि अब शाम को थोड़ा थोड़ा जब तक लॉकडाउन लगा हुआ रहता है, रोड पे बाइक नहीं निकलती तब तक ये चल घूम लेते हैं, वरना तो घूमना होता नहीं हमारा वैसे तो। और काफ़ी जने घूमने भी निकले, भैया डर लगता है रोड से। मैं मोबाइल लेके व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि अब हमारे इधर ज़्यादा व्लॉगिंग वालों को जानते नहीं है, यूट्यूब पे ज़्यादा है नहीं इतने ज़्यादा व्लॉगर्स, बड़ी सिटी में रहते हैं, हमारी सिटी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी सिटी है। सिटी बड़ी है पर जहाँ हम जहाँ रहते हैं वो छोटा सा है। वो एरिया छोटा है तो इतना ज़्यादा जानते नहीं, और विलेज के टाइप में है तो विलेज गांव से भी इतने हैं कि लोग इतना वो रखते नहीं हैं, शाम के वक्त जल्दी से खा के और अपने सो जाते, जल्दी आते हैं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से भी कोई घर से बाहर निकलता नहीं है शाम के वक्त। कुछ लोग हैं जो शूट के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं अभी फ़ोटोशूट होती है या नहीं होती है। भैया किधर गए, मैं करता हूँ फोटोशूट इंस्टा पे डालनी फोटो ऑल ओवर। बस गज है और आगे 28-35 ऐसा कुछ है, मैंने देखी नहीं खोल कभी, मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को 2-4 दिन पहले ही इंस्टा की आईडी बनाई थी, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। भैया साइड में ही हो जाते बिल्कुल, इसलिए नहीं ये तो चालू ही रहेगी, व्लॉग तो बनता ही रहेगा, व्लॉग की टेंशन नहीं है मेरी, व्लॉग तो हमेशा ही चलता रहेगा। और कुछ कुछ गाड़ियां आती हुई बैक साइड से, तो उधर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर वापस घूम के वापस इधर आ जाएंगे। ये देखो नौजवान मिल गया हमारे, और भैया के ड्राइवर
भैया के पास वैन है तो वैन के ड्राइवर और भैया बात करने जाते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज बार भी उनका है और भैया बात कर रहे हैं। अरे आ गए यार, तो आप तो वहाँ जा रहे थे। और खाने के बाद सभी लोग घूमते हैं। और वैसे बात करी हुई है, जहाँ हम बैठते वहाँ नहीं आती। और भैया के दोस्त भी मिल गए, क्यों कर लो कर लो। जाना जिगर है तो सही है, सही है। और पीछे से भी काफी लोग आते हैं। आगे निकलते हुए भाई, एक्सरसाइज करते हुए बढ़िया है बिल्ली, और वापस घर जाते हुए हम। और अब तो व्यूज़ तो आएगा नहीं, काफ़ी अंधेरा है तो। बिल्ली को हमारे से ज़्यादा जल्दी थी, बिल्ली को ज़्यादा जल्दी थी, सही बात है। और 10 बज चुके हैं और ये कौन है, हमारे बुद्धा राम जी दिखते नहीं, बुद्धा तो नहीं है ना, बुद्धा राम जी है क्या? ये क्या कर लिया हाल बुद्धा राम जी, मैं बुद्धू हूँ। हाँ बुद्धू नहीं यार, बुद्धा प्रियंकल तेरी मैमी, ये देखो इसको देखो, और कुछ काम नहीं है, घर में चल जा, घर में और कोई काम तो है नहीं, है ना? वीडियो बनाओ, कल आए तू लोग पर देख लीजिए, और बस फेसबुक हो गया तेरा पेट सही। कमेंट में मैंने पूछ रखा है इससे, देखते जो भी अच्छा फ़ोन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, जिस कमेंट पे जिस फ़ोन पे ज़्यादा कमेंट होंगे वही ले आएंगे। आप ही बता दो भैया, आपको कौन सा अच्छा लगता है? रियलमी नोट 8 प्रो। भैया ने तो कमेंट कर दिया, अब आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दे, हो सकता है आपका कमेंट ज़्यादा हो और आपके पसंद का, तो उसके अनबॉक्सिंग भी करेंगे और अनबॉक्सिंग की वीडियो भी देंगे। अच्छा कुछ हट के, कुछ शानदार वाली हट के। बहुत जन बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलते हो, अब बताओ अपन बाहर निकल सकते क्या? निकल तो सकते बट रास्ते में बहुत जने मिल जाते, इतने जने जानते दोनों भाई को जिसकी कोई हद नहीं है। अभी तक कम से कम 4-5 लोग तो मिल चुके हैं, वो भी रात को 11 बजने वाली है तब, और 11 बजे बाद हमारा माहौल कुछ ऐसा, दिन को नहीं निकलते वरना मेला लग जाए। ये तो सही बात है, और रात को 11 बजे बाद ये माहौल हमारा। मैं कुत्ते घूमते हैं, हम नहीं डॉगी, क्योंकि गली में तो हम भी घूम रहे हैं। और हमारे इधर दो रास्ते हैं, एक उधर अपने मकान से और एक इधर दुकान की तरफ से, और अंकल जी की दुकान के इधर हमारे एरिया में पूरा अंधेरा होता हुआ आपको देखा सामने, अंधेरा अंधेरा। सॉरी गाइस, आपको कुछ नहीं दिखेगा। नहीं मैंने फ्लैश लाइट जला ली हल्की हल्की, फिर भी कुछ नहीं दिखेगा, फिर भी कुछ नहीं दिखेगा, केवल नीचे की रोड जो है। ये कुत्ता दिख सकता है और ये डॉगी, ये देखो कुत्ते की गाइस आंखें देखो, ये देखो खतरनाक चमक रही भैया, इतने तो मेरी भी नहीं चमकती। और एक और डॉगी पीछे आते हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने केवल दो ट्यूबलाइट लगा दी। और ये नज़ारा देखो, ये हमारे घर का नज़ारा, पूरे गांव में लाइट नहीं मिलेगी लेकिन हमारे घर के यहाँ दोनों खंभों पे लाइट मिलेगी विथ फ्लैश है। और भैया को आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मैं सोच रहा हूँ एक डिस्को लाइट थी वो का। अच्छा वैसे करती थी ना? अच्छा हाँ वो तो बंद हो गई, चमक वो मेरे घर के पास ही। और अभी तक तो वैसे काफ़ी अच्छा लगा आज बाहर घूम के। भैया कल फ्री हो आप? भैया कह रहे शायद तक, चलो कोई ना देख लेंगे कल ही।
और गाइस ये देखिए डिस्को लाइट में, ये हमारे यहाँ वेन का शोरूम है, अगर किसी को लेना हो तो बता देना, बुकिंग के लिए संपर्क कर लेना। हाँ भैया से जरूर संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भैया के कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। अजमेर में केवल नहीं, अजमेर से बाहर जाती है, बाहर जाती है लेकिन सवारी अजमेर की। अगर आपको किसी को बुकिंग लेनी है एनी टाइम नाइट डे तो भैया का कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन अभी फ़ोन खराब हो रहा भैया का, तो थोड़े टाइम बाद मैं डालूंगा। और चिक्कू टीवी देखती, ओके भैया गुड नाइट। और ये देखो इनको, देखो महाराज जी को आंखें कैसे खतरनाक हो रही है। और भैया चेक करते हैं गाड़ी अपनी, और इनके आंखें देखो क्या भैया, नींद नहीं आ रही है। अच्छा और डेंजरस डॉगी जिसे कह सकते हैं, वो चिक्कू आएगी अभी। गाइस बाहर तो घूम कर आ गया, खाना आना खा के काफ़ी सही लगा, और रात के 11 बज रहे हैं। मैं अंदर इसलिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि अंदर गर्मी हो रही है, तो मैं बाहर बैठ के इस ब्लॉग को एडिट करता हूँ, और अब जाके एडिट करता हूँ इस ब्लॉग को। और सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन तक शाम को ही घूमने निकलूँ बाहर, क्योंकि दिन में तो हो नहीं सकता, और दिन भर काम ऑफिस में भी व्यस्त रहता हूँ इसलिए। तो आज ATM भी जाके आ गए और थोड़ा बाहर भी घूम के आ गए, अच्छा लगा, वैसे बाहर घूमना भी चाहिए। सो अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को एडिट, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताते रहें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहूँ आपके लिए, और आपको हमारी सिटी दिखाता रहूँ। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।